नागदा से। नागदा में आज जन आक्रोश यात्रा का आगाज, हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अभी कुछ समय बाद पहुंचे हैं, आपको बता दें कि, और सभा को संबोधित किया, जिसके बाद पटवारी ने बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह सिर्फ घोषणा करते हैं लाडली बहना की बात करने है, जबकि उनके प्रदेश में ही बहना सुरक्षित नहीं। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, जो भी बिना कोई शर्त के, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं जिस बहनों के नाम से सिलेंडर है उसको लाभ मिलेगा। लाडली बहना आवास योजना के बारे में कहा कि मंदसौर में लाडली बहना को आवास दिलाने के नाम से महिला के साथ बलात्कार किया गया। पटवारी से नागदा विधायक के बारे में कहा गया, जब आप लोग विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को विधायक बनाते हैं तो सिर्फ विधायक ही नहीं अपितु प्रदेश का गृह मंत्री बनाएंगे। पटवारी ने भी कहा कि अगर आप बीजेपी का विधायक चुनेंगे तो वहां उद्योग का दलाल बनेगा। जब विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को विधायक चुनेंगे, जब आप वहां आपके हक के लिए लड़ेगा। जिला प्रभारी शोभा ओझा ने भी बीजेपी पर सादा निशाना हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि सरकार ने इतना कर्ज ले लिया है कि आज हर किसान परेशान है। कल भी मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति को परेशान किया है। और भी क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। बीघे की 5 होनी थी, अब वो 2 किन, 2.5 किन, 1.5 किन, 1 किन, उस कटाई को छोड़ के इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सबके चरणों में सर रख कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों, नागदा दिलीपिया जंक्शन है ट्रेन का, चलो भाई। और शिवराज हमेशा ये कहता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो डबल इंजन का उपयोग कब होता है? जब एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा लगाया जाता है, सही है गलत है? तो नागदा के लोग ये बात अच्छे से समझते हैं कि एक इंजन बठी जाए तो दूसरा इंजन के लाड़ू पड़ा, सही है गलत है? तो शिवराज को इंजन बठी क्यों है, ध्यान रखो, जो थोड़ा गड़ो खराब है शांत हो जो। नागदा जिले की बात हो रही थी अभी, दिलीप भैया बहुत गहराई से बता रहे थे इस बात को। कमलनाथ जी की सरकार बनी, पहले दिन दिलीप गुर्जर जी उनसे मिले विधायक बन के, तो उन्होंने कहा कि नासा मुझे आप मंत्री नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, पर मेरे अपने नागदा को जिला आपको बनाना है। मैं साक्षी था इस बात का, मैं उस वक्त वहां उपस्थित था। कमलनाथ जी ने ये बात इतने तन्मयता से सुनिए, सरकार बदल जाती है, सरकार में है और इसी मंत्री अपने मालवा की कविता है कि नाचे कूदे फांदरी और माल मलिंगा खाए, तो ये कविता या चरितार्थ होती है कि नाचे कूदे फांदरी और माल मलिंगा खाए। हमने देखा कि जो इन्होंने झारखंड लोक में प्रतिभाएं लगाई थी वो साल भर भी नहीं टिक पाए। यही नड्डा जी ने कहा, अभी हमारे युवा साथी लोग एक एक दो दो साल पटवारी के लिए परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और पटवारी भर्ती परीक्षा में भी घोटाला किया जाता है। हमारे पटवारी परीक्षा में जो ऊपर पैसा लेन देन कर देता है उनकी नियुक्तियाँ हो जाती है और जो लोग जिसमें हमारे साथ के प्रदेश हमारा साथी है जो दो दो साल मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दुर्भाग्य की बात है, हमारा युवा देखिए आज का ये दौर है जब एक आम आदमी अपना घर चलाने पड़ रहा है, चाहे हम गैस की कीमतों की बात करें, आज जो गैस की कीमत 450 रुपये कांग्रेस के राज में होती थी आज 1100 से ज़्यादा वो गैस की कीमत है। और पेट्रोल डीजल की बात करें तो पूरे देश में आज पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगा मध्य प्रदेश में मिल रहा है। बिजली की बात करें तो उसकी दरें और बेरोजगारी दूसरी तरफ है, हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, किसान की हालत खस्ता है, महिलाओं की हालत खस्ता है, महिला अत्याचार में हम नंबर 1 पर है, कुपोषण में हम नंबर 1 पर है, तो पूरी तरह से आज जनता त्रस्त है। और इसीलिए
एक आम जनता की आवाज सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनकर निवारण करने के लिए जन आक्रोश यात्रा 7 यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश से निकली है। इस क्षेत्र में जीतू पटवारी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज जनता आके बात करी, चाहे किसान हो, नवयुवक हो, महिला हो, हर तबका आज इस सरकार से पूरी तरह से परेशान है। 18 साल की सरकार में उनको कुछ भी नहीं मिला है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, युवा और महिलाएं परेशान हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा। जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री जी उज्जैन पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि जो मध्य प्रदेश में 3000 उज्जैन जिले को खाली, सिर्फ उज्जैन जिले को 3000 करोड़ रुपए और मिलने वाला है, तो इससे लगता नहीं कि देश को जो हर आदमी के ऊपर जो कर्ज का बहुत बढ़ेगा? देखिए, सरकार कर्ज ले लेके रोज कल फिर 1000 करोड़ का कर्ज लिया है, तो करीब 4,00,000 करोड़ का कर्ज पूरे मध्य प्रदेश में हो चुका। आप और हम हर व्यक्ति को 60 से 70 हज़ार का कर्ज हमारे सर है। तो ये मुख्यमंत्री कर्ज ले लेके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इंसानों ने तो भ्रष्टाचार किया, महाकाल लोग का पैसा तक ये खा गए। हम सब जानते हैं, उज्जैन वासी, उज्जैन जिले के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरह महाकाल लोग को तक इन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये वो लोग हैं, तो जनता का तो पैसा खाते ही, भगवान के लिए भी कुछ बनाते तो उसमें तक पैसा खाते। खबर भारत के लिए नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।